बहुत खूब, अल्लाह ताला इनके इल्म में, अमल में, ज़ौक शौक में इजाफा फरमाए। मैं दावत देना चाहता हूँ, अब ताखीर बहुत हो चुकी है, असर का नमाज, असर की नमाज का वक्त भी हो चुका है, असर का वक्त दाखिल हो चुका है। मैं दावत देना चाहता हूँ, हजरत मौलाना मसूद अज़हर कुश्तर साहब तशरीफ़ लाएँ, कलिमात भी अदा फरमाएँ, शुक्रिया भी, मुबारकबाद भी इतनी शानदार महफिल के इनेकाद पर, और फिर हम सब के लिए दुआ फरमाएं। अरे तकबीर अल्लाह, अरे रिसालत या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। तशरीफ रखिए। نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم سبحان الله ما شاء الله مجھے امید ہے کہ آج آپ کا ٹائم ضائع بالکل نہیں گیا اور یہ ٹائم جو آپ نے آج یہاں گزارا یقین مان لیجئے मैं लिख के दे देता हूं कि आखिर अपने काम आएगा। टाइम बहुत कम है, एज यूजुअल गुफ्तगू का कोई टाइम है ही नहीं। जो कुछ गुफ्तगू होनी थी अल्हम्दुलिल्लाह आपने नात में समाप्त फरमा दी, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, दुआ भी हो गई, सब कुछ हो गया, इस्तगासा भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ मैं आपके लिए यहां इसलिए खड़ा हुआ हूं कि आपका शुक्रिया अदा करूं सुन्नी रजी सोसाइटी की जानिब से और इंटरनेशनल नात एसोसिएशन की जानिब से, कि मैं आपका शुक्रिया इसलिए अदा कर रहा हूं कि ये जो प्रोग्राम आज हमने किया है, इट्स ए बिगिनिंग, इट्स ए बिगिनिंग, बिलीव मी इट्स ए बिगिनिंग। यहां हमें आशिक मुस्तफा पैदा करने हैं, आशिक औलिया पैदा करने हैं, और बुजुर्गाने दीन औलिया कराम पे जान देने वाले पैदा करने हैं। यहां अल्हम्दुलिल्लाह याद रखिए, जो ईमान वाला है उसकी कोई कौमियत नहीं होती। सुरिनामी मौजूद हैं, पाकिस्तानी मौजूद हैं, इंडियन मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कोई हैसियत नहीं, सिर्फ पहचान है। हैसियत क्या है? जो अल्लाह से करीब, जो अल्लाह से करीब, अल्लाह के महबूबीन से करीब। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सत्ता अजीम है कि आपको मसलक हक अहले सुन्नत वल जमात में पैदा किया, और आज की दुनिया में इस वक्त मौजूदा दौर में मैं कहे बगैर नहीं रह सकता, मेरे इमाम, आपके इमाम, हम सब के इमाम, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने सारी की सारी खानकाहों को बचाया है। वाह वाह सुभान अल्लाह। शादली हो, इटुलूसी हो, हम्बली, हम्बली कह रहा हूं मैं, जी किसी भी सिलसिले से हो, इसमें कोई शक नहीं, इमाम में हब्बल हुए, ये हमारे चारों इमाम अल्हम्दुलिल्लाह, इमामत एक अलहदा चीज है। लेकिन जो सलासिल हैं, चिश्ती हो, ये सारे के सारे बुजुर्गों को आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फाजले बरेली ने खानकाहों को बचाया है, और इश्क का तरीका बता दिया, इश्क का तरीका बता दिया। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सी राह अपनाते हैं, और आला हजरत की राह अपनाई तो समझ लिए कि गौसे आजम की राह अपना ली, और जिसने गौसे आजम की राह अपना ली, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, ताबीन और तबे ताबीन की राह अपना ली, और मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, जिन्होंने ताबीन की राह अपना ली तो सहाबाए कराम की राह अपना ली, और जिन्होंने सहाबाए कराम की राह अपना ली, अल्हम्दुलिल्लाह। सहाबाए कराम की जिंदगी का जरा मुताला कीजिए, आज की दुनिया में ऐसे बेअदब गुस्ताख पैदा हो गए हैं, जरा सहाबाए कराम को तो देखिए। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन दुरूद फरमाते, वजू फरमाते, उन पे दुरूद हो, जब आप वजू फरमाते, आपका एक पानी का कतरा जमीन को नहीं लगता। ये किरदार सहाबाए कराम का था, आज हमारा किरदार देख लीजिए, बातें बड़ी बड़ी,
दावे बहुत बड़े, हकीकत तो ये है अल्लाहु अकबर हम ना नमाज पढ़ सकते हैं सही से, ना इबादत सही से पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला हमें सही मानों में सुन्नतों के अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं फिर आपको शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आइंदा सालों में इससे भी बढ़कर इंशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम होंगे यहाँ। यहाँ मरकज इंशाल्लाह कायम करना है। हजरत अल्लामा खुशर रहमतुल्लाह ताला अलैह 1980 में यहाँ आए थे, 80s में, और उनका जो मकसद था और जो मकसद है अभी, मकसद फौत नहीं हुआ, दुनिया से शख्सियात जाती है मकसद फौत नहीं होते, उनका जो मकसद था वो ये है इश्क़े मुस्तफा, सारे बुजुर्गों को सारे सलासिल को एक साथ लेके वक्त आ गया है कि एक प्लेटफॉर्म पे बैठ जाइए। अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठे तब भाई नुक्कड़ पे है। कल ही हम घर में यही बात कर रहे थे, साहब दादा साहब सब वो सब यही बात कर रहे थे, वक्त आ गया कि एक साथ बैठ जाइए और बैठ के अल्लाह अल्लाह कर लीजिए, अल्लाह अल्लाह कर लीजिए। बहुत मुख्तसर, बहुत मुख्तसर, कोई ऐसा प्रोग्राम हजरत का नहीं था जहां जिक्रुल्लाह ना होता, लेकिन बहुत ही मुख्तसर पढ़िए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैही, ला हौला व ला कुव्वता मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गो, आपने इस वक्त हमद बारी ताला सुनी, नात रसूल मकबूल सुनी, इस वक्त आप जिक्र कर रहे हैं और एक बड़े जिक्र की तैयारी कर रहे हैं, एक जिक्र ये कर रहे हैं, एक बड़े जिक्र की तैयारी हो रही है, नमाज का वक्त आगे हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अपने दिलों से बोझ निकाल दीजिए, कीना निकाल दीजिए, नफरत निकाल दीजिए, और सबसे बड़ी चीज जो है, जो मेरे सब कुछ मेरे वालिद मोहतरम है जिन्होंने मुझे अता की है वो आपको मैं शेयर कर दूं, लफ्ज मैं निकाल दीजिए, मैं, that's a very very dangerous thing, मैं हूं ही नहीं, कुछ भी नहीं हूं, हकीकत यह है कि I'm nothing, जब मैं nothing हूं तो तू ही तू है। तो पढ़िए इल्लल्लाह 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 दो शेर हो जाए, मुस्तफा तेरा रहमत तेरा।